भारत के बेड़े में एक और अचूक हथियार चीन के लिए बनेगा बड़ी चुनौती। भारत को 100 मिसाइलों के साथ 24 रूस निर्मित ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच मिल गया है। यह हथियार भारत को चीन और पाकिस्तान सीमा पर अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के तहत 100 मिसाइलों के साथ 24 रूस निर्मित ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स का पहला बैच मिल गया है। बाकी बचे भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT के तहत बनाए जाएंगे। ईगला एस प्रणाली में एक सिंगल लॉन्चर और एक मिसाइल शामिल है। पिछले साल नवंबर में भारत ने 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों की खरीद के लिए रूस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीय सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए ईगला एस सिस्टम की खरीद की गई है। ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे लेकर कोई भी इंसान या सेना दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए फायर कर सकता है। यह हथियार भारत को चीन और पाकिस्तान सीमा पर अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। आत्मनिर्भरता स्कीम के तहत भारत हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर कम कर रहा है, बल्कि भारत की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खुद बनाए। इसके बाद भी भारत पाकिस्तानी और चीनी सीमा को मजबूत करने के लिए रूसी हथियारों पर काफ़ी हद तक निर्भर है। ईगला एस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसे कंधे पर रखकर दुश्मन के विमान को गिराने के लिए फायर किया जा सकता है। हाथ से पकड़ी जाने वाली रक्षा प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को गिराने की क्षमता रखता है। यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई टारगेट की भी पहचान कर सकता है और उन्हें टर्मिनेट कर सकता है। ईगला एस में 9M 342 मिसाइल, 9P 522 लॉन्चर मैकेनिज्म, 9B 866 दो मोबाइल टेस्ट स्टेशन और 9F 719 दो टेस्ट सेट शामिल है। भारतीय सेना के आपातकालीन खरीद के तहत ईगला एस सिस्टम को शामिल किया है। ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम है और पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम का होता है। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट और इसका व्यास 72 मिलीमीटर का होता है। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोटक लगाया गया जाता है। इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर की है। यह मिसाइल अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत इस हथियार का इस्तेमाल करेगा।